कलर ऑफ योर योथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कपड़ों का कलर ना बहुत ध्यान से चूज कीजिए आपने देखा होगा कई बार कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कपड़ों के जिनमें आप बहुत डल नजर आते हो ऑन द अदर हैंड कुछ कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जो आपके स्किन पे ना एक अलग सा ग्लो लेके आते हैं तो यही डिफरेंस होता है कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन टोन से प्रॉपरली मैच करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो मैच नहीं करते हैं तो ऑलवेज चूज दैट कलर ऑफ योर क्लोथ जो आपकी स्किन से प्रॉपर्ली मैच करे आपकी स्किन टोन से प्रॉपरली मैच करे फॉर एग्जाम्पल जो डस्की स्किन की गर्ल्स होती है ना उनके लिए डार्क ग्रीन कलर हो गया मरून कलर हो गया वाइन कलर टील ग्रीन मस्टर्ड येलो रॉयल ब्लू इस टाइप के जो डार्क से कलर्स होते हैं ना वो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे सो so, इस टाइप के कलर्स को हमेशा आप चूज़ कीजिए ऑन द अदर हैंड जो बहुत ज़्यादा चटकीले मटकीले से कलर्स होते हैं या, यानी कि ब्राइट कलर्स जो होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है फॉर एग्जाम्पल आपका ब्राइट येलो कलर हो गया या फिर ब्राइट रेड कलर हो गया उसके अलावा प्योर वाइट कलर हो गया या फिर उसके अलावा आपका सिल्वर कलर हो गया इस टाइप के कलर्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ये वाले जो कलर्स हैं ना ये डस्की स्किन टोन को और ज़्यादा डल दिखाते हैं सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए टाइप के कलर्स को एंड ये चीज ना आपको आपकी स्किन टोन से पता लग जाएगा आप कोई भी कपड़ा पहन के जब मिरर के सामने खड़े होते हो ना तो बता देगा सूट नहीं कर रहा है धूप में बाहर निकलते हो हमेशा कोशिश कीजिए सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई करने की वैसे तो ना चाहे कोई भी स्किन टोन का पर्सन हो चाहे आप फेयर स्किन के हो या फिर डार्क स्किन के हो सनस्क्रीन हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है लेकिन

इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिपस्टिक के कलर को भी बहुत ही केयरफुली चूज करें जो डस्की स्किन की गर्ल्स होती होते हैं उनपे डार्क शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं लिपस्टिक के फॉर एक्जाम्पल डार्क मेरू डार्क रेड डार्क ब्राउन पीच कलर इस टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं डस्की स्किन पे एंड लिपस्टिक में आपको अवॉइड करना है डार्क पिंक कलर ब्लड रेड कलर इस टाइप के जो लाइट शेड्स होते हैं ना लिपस्टिक के वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं हैं क्योंकि इस टाइप के शेड्स आपके फेस को बिल्कुल डल दिखा सकते सो so, ये बात लिपस्टिक एंड एंड नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट दैट इज फाउंडेशन फाउंडेशन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं जो फेयर टोन के लोग होते हैं ना उनके लिए डिफरेंट फाउंडेशन की शेड यूज होती है जो डस्की और उसके बाद ही कोई फाउंडेशन अपनी स्किन पर यूज करना है क्योंकि अगर आप लाइटर स्किन टोन का फाउंडेशन यूज कर लोगे ना तो वो आपके

परचेस करो ऑफलाइन वहां पे आप प्रॉपरली चेक कर पाओगे अपने हाथ पे लगा के कौन सा स्किन पे सबसे ज्वेलरी ज्वेलरी so को सिलेक्ट केयरफुल रहना है आपको वाली jewelry, 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 इस टाइप की ज्वेलरी को बिल्कुल अवॉइड करना है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है तो इस टाइप की ज्वेलरी आप ट्राई कर सकते हो उसके अलावा गोल्डन येलो कलर की ज्वेलरी काफी अच्छे से मैच करेगी तो इस तरीके से आप ज्वेलरी का ध्यान रख सकते गर्ल्स। so, गर्स हो गर्स ये होगी छोटी छोटी चीजें जिनका डस्की स्किन टोन वाली गर्ल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है सो so, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ टेक केयर एंड बाय